प्रोइा लॉ दिस इज एंजल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक मॉर्निंग में आ, अपने एफ़ बी पे एक पोस्ट शेयर करी थी जिसकी वजह से कुछ लोग काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कई लोग इंग्लिश जानते हैं पर उसके बावजूद उस पोस्ट का आ, गलत म, मतलब निकाल रहे हैं पर कुछ मेरे अच्छे जो आ, आ, प्यार करने वाले मेरे भाई लोग हैं उन्होंने बोला कि आप इसका एक वीडियो बना लीजिए आप उसे शेयर कर दीजिए जिससे आ, लोग समझ जाएँगे उसका इस वीडियो की वजह से आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जज कर सकते हैं रोस्ट कर सकते हैं आपको इसका पूरा अधिकार है पर इस मैसेज को पहुंचाना, इस मैसेज को देना और इस वीडियो को बनाना मेरी जिम्मेदारी है मैंने एक प्रोफेटिक ड्रीम देखा था और उस ड्रीम में मैंने जो कि हमारे आदरणीय पीएम है उनकी डेथ देखी थी तो यहाँ पर डेथ का मीनिंग हमें समझने की ज़रूरत है और जो ड्रीम्स होते हैं विजन्स होते हैं बाइबल का खुदा बाइबल का परमेश्वर जो है ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू ख्वाबों के थ्रू सपनों के द्वारा बातचीत करते हैं तो यहाँ पर हमें उस चीज़ का मतलब समझने की ज़रूरत है कि उसका मतलब क्या है ठीक है तो <coughs> उसका दृष्टांत कई बार स्वपनों में हमें दृष्टांत की तौर पे पैरबल की लैंग्वेज में परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं तो डेथ का एक्चुअली स्पिरिचुअल मीनिंग होता है सेपरेशन किसी चीज़ किसी रिश्ते किसी पोजीशन से आपका सेपरेशन हो जाना तो यहाँ पर ऐसे चांसेस बन सकते हैं जहाँ पर उनकी अपनी पोजीशन से बेंग अ पी उससे सेपरेशन हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आने वाले वक्त में ऐसी कोई सरकमस्टेंसेज बन सकते हैं कि उन्हें वो चीज़ गिव अप करनी पड़े या कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज बन जाए वो परमेश्वर बेहतर जानते हैं तो ये उसका मीनिंग है और इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि हम प्रार्थना करें जो कि मिस्टर मोदी हैं उनके लिए और तमाम अपने मंत्री जितने भी और दूसरे हमारे नेताएं के परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दें और उस अनुग्रह के द्वारा वो हर चैलेंज को ओवरकम कर सकें और कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंसान के लिए आ, डिफ़िकल्ट हो जाती है कि उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं और जिस परिस्थिति से इस वक्त देश और दुनिया निकल रही है उधर आप समझ जाइए कि उधर परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हूँ जो और ज़्यादा टफ हो जाएँ तो मैं यही बोलूँगा और उनके जो बेस्ट बर्डी हैं वो उनके बराबर में हैं और वो यही सोच रहे हैं वो दुखी हैं और वो वही सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कौन सा चेहरा है जो कि पीएम के लिए हो सकता है तो कहने का मतलब यह है कि हम यही बोलेंगे कि इस वक्त मिस्टर मोदी के लिए प्रेयर करें और मंत्रियों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अनुग्रह दे हर चैलेंज हर सिचुएशन को ओवरकम कर सकें और ये पहली बार नहीं है कि मिस्टर मोदी के लिए मैंने कोई ड्रीम देखा पर दूसरे नेताओं के लिए भी जैसे कि मिस्टर ट्रंप के लिए भी मेरे को टू में ड्रीम दिखाया था परमेश्वर ने मिस्टर नेतन्याहू जो कि इसराइल के लीडर हैं उनके लिए दिखाया आ, मुझे जो कि पोप हैं उनके लिए भी दिखाया और ये सब चीज़ें मैंने शेयर करी हैं और ये पहली बार नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ और वो चीज़ें वैसे ही घटनी शुरू हुई तो मैं इस बार भी यही बात शेयर करूंगा और यही बोलूंगा कि हम लोग प्रेयर करें क्योंकि इस वक्त ऐसा ही है कि यस्सू इंडिया से प्यार करते हैं और पूरी दुनिया से प्यार करते हैं और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान के हाथों में चीज़ ना हो और वो जब खुद कंट्रोल ना कर सके तो समझ जाइए उसे नज़रें ऊपर लगानी और जब वो ऊपर लगाएगा तो वो देखेगा कि उसकी मदद ऊपर से आई है और ही इज़ द गॉड ही इज़ द गॉड हु इज़ द वे मेकर वो परमेश्वर रास्तों को बनाने वाले परमेश्वर हैं चीज़ें कितनी भी उलझी और ऐसी लगें जो बहुत ख़तरनाक है आ, और कुछ भी नहीं सुलझरी लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ही कुछ कर सकते हैं इंसान नहीं कर सकता परमेश्वर ही कर सकता है और मैं यही बोलूँगा कि इस वक्त एक बार की बात है जब बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान था और मसीह अपने डिसैपल्स के साथ थे डिसैपल डरे हुए थे उनके जो शागिद थे चेले थे और वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुझे हमारी चिंता नहीं है प्रभु आ, हम नाश हुए जाते हैं प्रभु ने आंधी तूफ़ान को डांटा और आंधी तूफ़ान शांत हो गया और चेलों को भी डांटा और कहा है ना उनके अविश्वास की वजह से उनके अनबिलीव की वजह से छोटे उनका विश्वास बहुत थोड़ा था लेकिन कहने का मतलब ये है कि यीशु की एक डाट से आंधी और तूफ़ान शांत हो गया आज भी ये तूफ़ान जो भी क्राइसिस चल रही हैं कोई भी चैलेंज है सामने मैं आपको सच बता रहा हूँ यस्सु एक डांट से उसे शांत कर सकते हैं बस उन्हें पुकारने की ज़रूरत है हम यस्सु जी को पुकारें ये जी को अपनी सिचुएशन में इनवाइट करें उनसे फ़जल मांगें उनसे ग्रेस मांगें इंडिया से प्रभु उतना ही प्यार करते हैं जिससे किसी और कंट्री को प्यार करते हैं पर कई बार इंडिया के कुछ लोग शायद यस्सु मसीह को एक परमेश्वर ऐसा समझते हैं जो फॉरेन का है पर यीशु मसीह के लिए इंडिया कोई फॉरेन नहीं है वो यीशु मसीह के लिए इंडिया बस एक उनकी खुद की एक टेरिटरी है और मैं यही बोलूँगा कि यीशु इस लैंड को भी हील कर सकते हैं और इस कष्ट से डिफ़िकल्ट वक्त से निकाल सकते हैं तो हमारी यही प्रार्थना है प्रभु सबको अनुग्रह दें मिस्टर मोदी को भी अपना ग्रेस दें और आ, राजा और जो नेता हैं और मंत्री हैं और प्रभु फजल करें इस कंट्री में कि वो इस क्राइसिस इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकले हर चैलेंज को ओवरकम करें और ये लैंड एक ब्लेसड लैंड बने प्रभु आप सबको बरकत दें प्रज़िल